फाइवर पे क्लाइंट ने आपका बेसिक पैकेज ऑर्डर किया और जब आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को स्टडी किया तो आपको अंदाजा हुआ कि ये तो काम ऐसा है जो कि बेसिक पैकेज में कवर्ड नहीं है, या तो ये स्टैंडर्ड पैकेज का काम है या प्रीमियम पैकेज का काम है या किसी भी तरह से बेसिक पैकेज से ज़्यादा काम है। तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप उसका उतने पैसों में काम करके दे दें या फिर आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। लेकिन इसका एक तीसरा और सबसे अच्छा सोल्यूशन है जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ और कल मैंने अपने दो ऑर्डर्स के अंदर यही वाली टेक्निक यूज़ की है। वो टेक्निक क्या है जी, कि जब आपको बायर बेसिक पैकेज ऑर्डर करता है उसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो वो बायर प्लेटफॉर्म पे नया है, उसको पैकेजेस का सिस्टम नहीं पता, उसको आपकी गिग अच्छी लगी, उसको लगा आपकी बुकिंग प्राइस यही है, उसने आपका बेसिक पैकेज ऑर्डर कर दिया क्योंकि दूसरे पैकेजेस देखने के लिए उसको क्लिक करनी पड़ती है पैकेजेस पे, जबकि बेसिक जो है बाय डिफॉल्ट ऑर्डर के ऊपर बेसिक ही आ रहा होता है। तो हो सकता है कि वो क्लाइंट को आइडिया ही नहीं था फाइवर के प्रोसेस का, सिस्टम का, और उसने बेसिक पैकेज ले लिया। इस तरह के क्लाइंट से तो आप डेफिनेटली निगोशिएट करके उससे पैसे बढ़वा सकते हैं और अपने ऑर्डर अमाउंट के अंदर ऐड करा सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट दूसरा क्लाइंट ऐसा होता है कि जिसको पता होता है सिस्टम का और उसको पता होता है कि उसका काम बेसिक पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपका बेसिक पैकेज ऑर्डर कर देता है क्योंकि उसको वीकनेस का पता है फाइवर के प्लेटफॉर्म की, कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इवन एडवांस काम भी बेसिक में करके दे देंगे, तो इस सिनेरियो में आप क्या करें। और तीसरा सिनेरियो ये कि आप के पैकेजेस ही कंफ्यूजिंग थे, फिर तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता, फिर तो आपको अपने सबसे पहले तो आपको अपने पैकेजेस को बेहतर करना चाहिए और हर पैकेज में वेल डिफाइंड एक चीज़ होनी चाहिए कि इसका स्कोप ये है, इस पैकेज के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड है, बेसिक में क्या इंक्लूडेड है, प्रीमियम में क्या इंक्लूडेड है और स्टैंडर्ड में क्या इंक्लूडेड है। अगर तो वो क्लियर था और आपने अपने गिग डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपको कुछ कस्टम चाहिए या ऐसी चीज़ चाहिए जो पैकेज में नहीं है, बाय द वे आपको ये ज़रूर लिखना चाहिए कि अगर आपको पैकेज से हट के कोई चीज़ चाहिए या पैकेज से ज़्यादा या कम काम चाहिए तो मैं कस्टम ऑफर्स भी करता हूँ, प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें। तो आपने वो लाइन भी लिखी हुई थी, आपके पैकेजेस भी वेल डिफाइंड थे, फिर भी बायर ने बेसिक पैकेज ऑर्डर कर लिया। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट को थॉरली स्टडी करना है और खुद से असेस करना है कि ये कितने पैसों का काम है। जैसा कि मेरे पास कल एक ऑर्डर आया और वो $40 का उसने मेरा बेसिक पैकेज ऑर्डर किया था, तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये वाला पैकेज अगर मैं कस्टम करता तो मैं कम अज कम इससे $100 लेता। अब जो मेरा बेसिक था वो 40 का था और जो मेरा प्रीमियम था वो $200 का था और जो मेरा स्टैंडर्ड पैकेज था वो था $70 का। ठीक है, अब वो ना 70 में आता है ना वो 200 में आता है। तो मैंने क्लाइंट को मैसेज किया नाइसली, मैंने उसे कहा जी थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर, अपॉन रिव्यूइंग योर रिक्वायरमेंट्स आई रियलाइज्ड दैट द वर्क दैट यू रिक्वायर इज वे मोर देन व्हाट्स ऑफर्ड इन माय बेसिक गिग, मे आई प्लीज आस्क यू दैट इफ योर बजट इज वाज योर बजट ओनली लिमिटेड टू $40 और कैन यू प्लीज डू सम एक्स्ट्रा अमाउंट अपॉन क्लोजली investigating about your project, upon closely understanding your project, I came to realize that this type of work is included in a $100 custom offer. So I'm thinking maybe add another $60 in the same order. Would that be doable for you? अब इस पे दो किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। 90% क्लाइंट्स जो है ना सिर्फ आपके नाइसली पूछने से, मेरे इस मैसेज के ऊपर 90% क्लाइंट्स कहते हैं ठीक है सॉरी मुझे नहीं समझ आई एल्गोरिदम की या मुझे प्रोसेस का नहीं पता था इसलिए मैंने $40 का ऑर्डर कर दिया, प्लीज गो अहेड एंड सेंड अनदर ऑफर, या फिर वो कहता है हाउ डू आई एड अनदर $60। तो आप क्या करेंगे कि आप उधर ही जाके क्रिएट कस्टम ऑफर क्रिएट करेंगे, एक्स्ट्रा ऑफर क्रिएट करेंगे ऑर्डर पेज के ऊपर ही और उसको भेज देंगे। तो कल मैंने उसको $60 की ऑफर भेजी, उसने फॉरन ही ऑर्डर कर दिया। कल के दिन के अंदर मैंने दो ऐसे ऑर्डर्स जो कि बेसिक उसने ऑर्डर किए थे, एक तो $40 का था और वो उससे मैंने $100 का करवाया, एक बायर ने मुझे $120 की कस्टम अंदर एक्स्ट्रास को सिलेक्ट करके मेरा 70 वाला जो पैकेज था उसको कस्टम बना के अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक $120 का ऑर्डर कर दिया। अब उसके साथ मेरी इनबॉक्स में कम्युनिकेशन चल रही थी, मैंने उसको अभी कस्टम ऑफर दी नहीं थी, अभी पूरी रिक्वायरमेंट्स उसने मुझे समझाई नहीं थी, उसने पहले ही ऑर्डर कर दिया। तो मैंने उसे कहा जी कि मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, आपने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, आप मुझे ये वाली चीज़ें पहले क्लेरिफाई करें फिर मैं आपको फाइनल अमाउंट बताऊंगा। उसने मुझे जब सब कुछ बता दिया मैंने कहा जी ये $180 का काम है, ये $120 में कवर्ड नहीं है। तो उसने कहा कोई मसला नहीं $60 मजीद ऐड कर लो। तो मैंने उसको एक कस्टम ऑफर अंदर ही भेजी ऑर्डर के, तो $60 ऐड हो गए। अब ये तो है बेस्ट केस सिनेरियो के क्लाइंट, आपको जिस तरह के मुझे नाइस क्लाइंट्स मिल रहे हैं आपको भी वैसे नाइस क्लाइंट्स मिल जाएं। वैसे तो जनरली आप नाइसली पूछेंगे तो अच्छे ज़्यादातर क्लाइंट्स अच्छे ही होते हैं और वो आपको बेहतर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे आ जाएंगे जो आके आप कहेंगे नहीं भाई $40 में करना तो करो नहीं तो ना सही। ठीक है, तो अब इस तरह के सिनेरियो में आप क्या करें। अब आपके पास अगेन दो चॉइसेस हैं, या तो आप मजबूरन उसका काम करके दे दें अगर आपके पास कोई और काम नहीं आ रहा और आप उस वक्त फ्री बैठे हैं, सो यू थिंक के यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो फिर आप करके दे दें। लेकिन मैं पर्सनली ऐसे सिनेरियो में भी ऐसे ऑर्डर्स को नहीं करता जो कि बेसिक के अंदर मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े रूड हैं और आगे से मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्लाइंट से अगर आप काम करेंगे भी तो इवेंचुअली या तो वो आपका बैड रिव्यू दे देगा या ऑर्डर कैंसिल करवा लेगा, तो आपको उसके मूड का उसी वक्त अंदाजा हो जाएगा पहले मैसेज से ही। तो अगर तो वो नाइसली नहीं मान रहा और वो कह रहा है कि नहीं तो कैंसिल कर दो, मुझे रिफंड दे दो या फिर इसी में करके दो, तो फिर आप
उस ऑर्डर को म्यूचुअली कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिलेशन आप भेजेंगे, ठीक है? कैंसिलेशन क्लाइंट नहीं भेजेगा, आप कैंसिलेशन भेजेंगे, और कैंसिल होते ही फौरन आप फाइवर कस्टमर सपोर्ट से बात करेंगे कि भाई ये वाला ऐसे ऐसे क्लाइंट था, इसने बेसिक पैकेज ऑर्डर किया, काम इसका प्रीमियम का था, ये माना नहीं, फिर मुझे म्यूचुअली कैंसिल करना पड़ा, प्लीज आप मेरी जो स्टैट्स ड्रॉप हुई है ना उनको फिक्स कर दो। फाइवर बगैर किसी आपके साथ बहस के आपकी स्टैट्स को फिक्स कर देगा, क्योंकि आपका कोई कसूर नहीं था, आप नाइसली उसे मैसेज भी किया, उसने गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको बेसिक ऑर्डर किया था, आपका इसमें कोई कसूर नहीं था, फाइवर 100% ऑर्डर टाइम आपकी स्टैट्स को फिक्स कर देता है। या फिर आप ऑर्डर कैंसिल करने से पहले भी फाइवर कस्टमर सपोर्ट से राबता कर सकते हैं कि प्लीज ये वाला ऑर्डर जो है ना बायर ने मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ मेरा वो पैकेज बाय कर लिया और इसके अंदर ये काम इंक्लूडेड नहीं है, तो प्लीज ये ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो या तो फाइवर आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा, जो कि चांसेस कम है, फाइवर खुद आजकल नहीं कर रहा कैंसिल ऑर्डर, वो कहेगा जी कि आप म्यूचुअली कैंसिल कर दें, मैं आपकी बाद में, कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा कहेगा या बंदी कहेगी वो कि मैं आपकी स्टैट्स को बाद में फिक्स कर दूंगी। तो ये भी एक बेहतर सोल्यूशन है कि आप ऑर्डर कैंसिल करा के अपनी स्टैट्स को फिक्स कर लें, लेकिन ऐसे एक्सप्लॉइटर के साथ, ऐसे बंदे के साथ जो कि सिस्टम के अब्यूज कर रहा है, जिसको वीकनेस का पता है कि मैं बेसिक भी ऑर्डर करूंगा तो इसको मजबूरन करना पड़ेगा, उस बंदे के साथ काम ना करें, या तो वो आपके रिव्यूज खराब कर देगा या रिफंड ले लेगा। और आपका राइट भी ऑब्वियसली है कि अगर आपने काम ज्यादा करना तो आपको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, तो 90% ऑफ टाइम आस्किंग नाइसली हेल्प्स। आप सिर्फ नाइसली कह दें कि इतने पैसों का काम था, इतनों में नहीं होगा, तो क्लाइंट मान जाता है। मैंने दो एग्जांपल्स भी आपको दी, और ये मेरी वर्क रूटीन है, महीने में ऐसे 15-20 ऑर्डर्स आ जाते हैं जो कि बेसिक पैकेज उन्होंने ऑर्डर किया होता है, काम ज्यादा होता है, तो उनके साथ निगोशिएट करके, बातचीत करके हम कोई मिडिल ग्राउंड पे आ जाते हैं। एक ऑर्डर ऐसा था जो कि मुझे लगता था $100 का है, क्लाइंट ने $40 का ऑर्डर किया, मैंने उससे थोड़ी सी बहस की, उसने कहा यार 100 तो मैं सॉरी नहीं कर सकता, तुम कैंसिल कर दो। तो मैंने एक दरमियान में मिडिल ग्राउंड भी सोचा होता है, इसके ऊपर मजीद भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन बहरहाल अभी शॉर्टली बता देता हूं कि मिडिल ग्राउंड मैंने सोचा था कि यार अगर ये 60-70 तक भी आ गया ना तो मैं कर लूंगा। तो जब उसने कहा कि नहीं यार मेरे से 100 नहीं होगा तो तुम कैंसिल कर दो, मेरा इतना बजट नहीं है, मैंने उसे कहा अच्छा कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच बजट कैन यू डेडिकेट टू इट एट मैक्स। तो उसने मुझे कहा आई कैन डू 70 एट मैक्स, तो मैंने कहा लेट्स डू 70। तो उसको $30 के ऑफर भेजी, $70 में वो कर लिया, इट्स स्टिल बेटर देन डूइंग इट एट $40, $30 मुझे एक्स्ट्रा फिर भी मिल गए, और चाहे वो $100 का काम था लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा मेरे साथ इनजस्टिस नहीं हुई जितनी हो सकती थी। तो ये छोटी सी टिप है, आप अपने वर्कफ्लो में यूज करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करें, अपने थॉट्स का इजहार करें, और चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस ऑन द वे। थैंक यू सो मच।